स्टूडेंट्स, दिस इज द बुक ऑफ क्लास फिफ्थ. इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव स्टडी टिल चैप्टर नंबर फर्स्ट, गॉड इज ग्रेट. नाउ कम टू द चैप्टर नंबर सेकेंड, रिस्पेक्ट योर सेल्फ, खुद की इज्जत. नाउ दिस इज द चैप्टर अबाउट अ टाइगर एंड टाइग्रेस. स्टोरी टाइम. चमेली वॉज अ ब्यूटिफुल टाइग्रेस. चमेली एक बहुत सुंदर बाघिन थी. हु वॉज मैरिड टू शेरा, जिसने शेरा से शादी की थी. द स्ट्रॉन्गेस्ट टाइगर इन द जंगल, जंगल का सबसे ताकतवर शेर. दे वी आर अ वेरी अट्रैक्टिव कपल, वो बहुत ही अट्रैक्टिव कपल थे. एवरी वन इन द जंगल्स टाइगर कम्युनिटी एडमायर्ड चमेली एंड शेरा. जंगल के सभी लोग चमेली और शेरा की खूब तारीफ करते थे. वाइल शेरा वॉज लुकड अप फॉर हिज ब्रेवरी एंड करेज, शेरा अपनी बहादुरी के लिए जाना जाता था. और दूसरी तरफ टाइगरेस ऑफ द जंगल केम टू चमेली फॉर ब्यूटी टिप्स. और दूसरी शेरनी चमेली के पास उसकी ब्यूटी टिप्स के लिए आती थी. चमेली एंड शेरा लव्ड ईच अदर डियरली. चमेली और शेरा एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे. एंड दे वेयर नॉट हेल्पिंग अदर्स इन द कम्युनिटी. दे स्पेंड सम क्वालिटी टाइम टुगेदर और वेंट आउट फॉर द साइट सीइंग. लेकिन वो दूसरों की मदद बिल्कुल नहीं करते थे. हमेशा एक दूसरे के साथ अच्छा समय व्यतीत करते थे और कभी कभी कुछ दार्शनिक जगहों को भी देखने या भ्रमण करने जाते थे. After a few years of their marriage, शादी के कुछ दिनों बाद चमेली gave birth of four cubs. चार बच्चों को उसने जन्म दिया, छोटू, मोटू, टिंकू एंड पिंटू. Much like their parents, three of the cubs were healthy and good looking. अपने माता पिता की तरह तीन बच्चे एक्टिव थे, काफी हंसमुख थे. दे वेयर आइदर हॉपिंग अराउंड आउटसाइड देयर फैमिली डेन और चैटिंग विथ ईच अदर. या तो वो उछल कूद करते रहते अपने आसपास की जगहों पे, या फिर एक दूसरे से बातें करते नजर आते. बट पिंटू वॉज लिटिल शाय. लेकिन पिंटू थोड़ा शर्मीला था. ही हैड स्ट्रेंज स्पॉट्स ऑन हिज बॉडी. उसके बॉडी पे एक अलग तरह का निशान था. सो ही थॉट दैट ही वॉज नॉट एज ब्यूटीफुल एज हिज ब्रदर. तो उसे लगता था कि वो अपने भाइयों की तरह खूबसूरत और सुंदर नहीं है. चमेली एंड शेरा लव्ड ऑल देयर चिल्ड्रन इक्वली एंड दे वेयर वर्डी टू सी दैट पिंटू स्टेड अलोव. चिल्ड्रन चमेली और शेरा अपने सभी बच्चों से एक जैसा प्यार करती थी. बट उसे इस बात की चिंता थी कि पिंटू हमेशा अकेले रहता था. दे ट्राई टू स्पीक टू द लिटिल वन. वे हमेशा उससे बात करने की कोशिश करते एंड मेक हिम फ्रेंडली टू अदर. और दूसरों से भी बात करने के लिए कहते. बट नथिंग वर्क. बट कुछ काम नहीं करता. चमेली न्यू दैट what disturbed Pintu and she tried to make him understand that he was not ugly. Chameli ko ye baat pata tha ki Pintu kyu pareshan hai aur use kya baat khai ja rahi hai. But Chameli ne ye baat use batayi ki woh aisa nahi hai ki woh khoobsurat nahi hai. In fact he was as pretty as his brother. Jabki woh apne bhaiyon ki jaise hi acha hai. But he remained pensive and worried. But use is baat pe bilkul bharosa nahi tha aur woh ye लेकिन वह ये बात को पेचीदा और झाड़फूंक जैसा समझता था. वन डे, एक दिन शेरा थॉट ऑफ अ वे टू मेक ऑल हिज चिल्ड्रन हैप्पी. एक दिन शेरा को अपने सभी बच्चों को खुश करने का तरीका समझ आया. ही आस्क्ड रैंचो द मंकी. उसने उस जंगल के बंदर को, एक बंदर को बुलाया जिसका नाम रैंचो था. हु वॉज द बेस्ट फोटोग्राफर इन द जंगल. वो जंगल का सबसे अच्छा फोटोग्राफर था. टू ब्रिंग हिज कैमरा, अपने कैमरे के साथ. व्हेन रैंचो विजिट देयर डेन, जब रैंचो के गुफा में गया, शेरा आस्क्ड हिम टू क्लिक अ फैमिली पिक्चर. तो शेरा ने उसे एक फैमिली पिक्चर लेने को कहा. शेरा स्टूड नेक्स्ट टू चमेली. शेरा चमेली के बगल में खड़ा हो गया. एंड द फोर लिटिल कब्स वेयर आस्क्ड टू स्टैंड इन फ्रंट एंड गिव देयर बेस्ट स्माइल. और चारों बच्चों को उनके आगे खड़े होने को कहा अच्छे से स्माइल के साथ. एज एक्सपेक्टेड, जैसा कि था, छोटू, मोटू एंड टिंकू वेयर वेरी एक्साइटेड. छोटू, मोटू और टिंकू तो काफी एक्साइटेड थे अबाउट द फैमिली फोटो. बट पिंटू स्टूड कोली इन द कॉर्नर एंड ट्राइंग टू हाइड बिहाइंड हिज ब्रदर. और वो एक कोने में जाके खड़ा हो गया अपने भाइयों के पीछे और वो खुद को छिपाने की कोशिश करने लगा. रैंचो आस्क्ड हिम टू कम टू द फ्रंट. रैंचो ने उसे सामने आने को कहा एंड क्रैक्ड सम फनी जोक्स टू मेक देम लाफ. और उसने कुछ चुटकुले भी सुनाए जिससे पिंटू हंस दे. When he saw that the jokes were falling flat on Pintu, जब उसे पता चला कि जोक्स का कोई असर नहीं हो रहा पिंटू पे, रैंचो took the camera, placed it on the top of the tree. रैंचो ने वो कैमरा को पेड़ के ऊंचाई पे रख दी एंड क्लाइम टू द ट्री हिमसेल्फ. और पेड़ पे चढ़ गया. द कब्स वेयर क्यूरियस टू नो वॉट इज सिली मंकी वॉज डूइंग. अब बच्चों को
ये बात की उत्सुकता होने लगी कि अब रैंचो क्या करने वाला है। ही हैंग हिमसेल्फ अपसाइड डाउन, उसने खुद से पेड़ को लटका लिया विथ हिज लॉन्ग टेल कॉइल्ड अराउंड अ ब्रांच ऑफ द ट्री, और टहनियों से उसके लंबे पूंछ लटकने लगे। एंड फ्लैश इज साइनी वाइट टीथ एट शेरा एंड हिज फैमिली, और उसका चमकीला दांत शेरा और उसकी फैमिली पे दिखा। ही लुक्ड, उसने देखा सो फनी डूइंग दिस दैट द कप्स कुड होल्ड देयर लाफ्टर, ये देखते हुए कि हाँ कोई भी बच्चे अपनी हंसी रोक ना पाए। पिंटू ऑल्सो लाफ्ड, पिंटू भी हंस पड़ा। राइट देन रैंचो क्लिक द पिक्चर, और ऐसा होते ही रैंचो ने पिक्चर खींच ली। व्हेन द पिक्चर केम, जब पिक्चर आई, चमेली रिमार्क, चमेली ने नोटिस किया, वाह व्हाट अ लवली पिक्चर, कितना खूबसूरत पिक्चर है, वी ऑल आर लुकिंग सो क्यूट हियर, हम सब इसमें बहुत क्यूट लग रहे हैं। ऑन हियरिंग दिस, यह सुनते ही ऑल द फोर कब्स केम रनिंग टू सी द पिक्चर, चारों बच्चे दौड़ते हुए आए उस तस्वीर को देखने को। बट पिंटू लुक्स द क्यूटेस्ट इन द पिक्चर, ऑन हियरिंग एंड इट वॉज इन डीड प्रीटी, और सब लोग का पिक्चर बहुत अच्छा था। इन फ्रंट ऑफ एवरी वन चमेली सेड, चमेली ने सबके सामने कहा, बट पिंटू लुक्स द क्यूटेस्ट इन द पिक्चर, लेकिन पिंटू सबसे प्यारा लग रहा है इस तस्वीर में। ही हैज द मोस्ट ब्यूटिफुल स्माइल इन द वर्ल्ड, उसकी स्माइल बहुत अच्छी है इस पूरे दुनिया में। एवरी वन एग्रीड दैट पिंटू वॉज लुकिंग द बेस्ट, सब इस बात से एग्री करते थे कि पिंटू सच में बहुत अच्छा लग रहा था। मोटू सेड, यस आवर ब्रदर पिंटू रियली हैज द बेस्ट स्माइल, हमारा भाई पिंटू का स्माइल सच में बहुत अच्छा है। आई हैव एवर सीन ऐसे स्माइल मैंने नहीं देखी। छोटू एंड टिंकू ऑल्सो एग्री, छोटू और टिंकू भी इस बात पे सहमति दी। पिंटू स्माइल्ड अ लिटिल एंड लुक्ड एट द पिक्चर अगेन, पिंटू हल्का मुस्कुराया एंड लुक्ड एट द पिक्चर अगेन, और दोबारा से तस्वीर देखने लगा। नाउ ही ऑल्सो फेल्ट दैट ही वॉज लुकिंग ग्रेट, अब उसे इस बात पे भरोसा हो गया कि वह अच्छा दिख रहा है। ही वंडर्ड व्हाई ही ऑलवेज थॉट ही वॉज नॉट गुड लुकिंग, उसने सोचा कि मैं हमेशा ऐसा क्यों सोचता हूँ कि मैं अच्छा नहीं दिखता। इन फैक्ट नाउ द स्पॉट ऑन हिज बॉडी ऑल्सो लुक्ड अट्रैक्टिव टू हिम, अब उसके बॉडी पे जो दाग थे उसकी वजह से वो और भी अट्रैक्टिव दिख रहा था। दे गेव एन अनयूजुअल चार्म टू हिम एंड मेड हिम लुक स्पेशल, उसकी वजह से उसका एक उस पर एक अलग निखार आ रहा था और वो बहुत अलग दिख रहा था। पिंटू वॉज नॉट अशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ एनीमोर, अब उसे इस बात पे बिल्कुल शर्म नहीं आती थी। ही हग्ड हिज ब्रदर, उसने अपने भाइयों को गले लगाया एंड थैंक देम फॉर देयर कॉम्प्लीमेंट, और तारीफ के लिए धन्यवाद किया। आफ्टर दैट, इसके बाद ही नेवर सैट अलोन, वो कभी दुखी नहीं हुआ एंड फेल्ट बैड अबाउट हिमसेल्फ, और खुद के लिए उसे बहुत बुरा लगा कि आज तक वो दुखी क्यों था। सो स्टूडेंट्स, एज वी हैव कम्प्लीटेड दिस चैप्टर, वॉट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी, द मोरल ऑफ द स्टोरी इज यू शुड ऑलवेज बी हम्बल बट नेवर सेल्फ डिस्प्रेटिंग एंड अलोव, यू शुड नेवर बी अनरिजिबल क्रिटिकल ऑफ योर सेल्फ। नाउ दिस इज योर एक्सरसाइज, this is section A and this is the section number B and C and D. Students, section A and B I have already done. This is the section A and B, question and answer. This is A and this is B. But section C and D, you have to do it in your notebook and you have to learn section A and B. Thank you.